राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव सह विधायक भोला यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि बहुप्रतीक्षित दिकली सिसौनी सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने का काम मैंने अपने कार्यकाल में किया है। इस पथ के साथ साथ सिसौनी चौक से उघरा भाया दैंग, अशोक पेपर मिल से विंदेश्वर स्थान तथा तारालाही से सिमरी पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में करवाया हूं। मैं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को इस कार्य के लिए बधाई देता हूं कि मेरे द्वारा लिखे गए पत्र एवं विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के आलोक में उन्होंने उक्त चारों पथ की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मेरे अनुशंसा के आलोक में दुकली सिसौनी पथ पर हस्तांतरण ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 1834 दिनांक 27/11/2017 के आलोक में पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है, जिसकी हस्तांतरण की स्वीकृति दिनांक 7/2/2018 को पथ निर्माण विभाग ने प्रदान किया। इस प्रक्रिया में विधानसभा में जब प्रश्न के माध्यम से मेरे द्वारा मंत्री पथ निर्माण विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया, उस दरमियान मंत्री मदन सहनी के द्वारा एक बार भी सदन के अंदर मंत्री पथ निर्माण विभाग को सड़क की आवश्यकता के संबंध में सहमति प्रदान नहीं की गई। सदन के अंदर मैं अकेला इस सड़क के लिए लड़ता रहा। उन्होंने कहा कि उक्त सड़क से जुड़े हुए हजारों लोग अपना प्रयास सड़क को PWD में ले जाने के लिए किए हैं, उसमें से एक प्रयास सांसद जी का भी रहा। उन्होंने कहा कि मैंने जो कार्य किया है उसका साक्ष्य ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के इस पथ से जुड़े हुए उन संचिकाओं में दस्तावेज के तौर पर मेरे द्वारा लिखित पत्र एवं विधानसभा में किए गए प्रश्न दस्तावेज के तौर पर इतिहास का एक अध्याय रहेगा। बाढ़ राहत व बाढ़ निरोधक कार्य लगातार जारी चलाया जा रहा है। 392 सामुदायिक रसोई, 2,37,597 व्यक्ति को कराया जा रहा है भोजन। गौरतलब है कि विगत 22 जुलाई से दरभंगा जिला बाढ़ से प्रभावित है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक बाढ़ प्रभावित गांव में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई चलाकर करके भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। अभी भी पानी से घिरे 1024 गाँव है, जिनमें 392 सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 2,37,597 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। पानी से घिरे गांव में सूखा खाद्य पैकेट का वितरण कराया जा रहा है। अब तक 10,760 सूखा फूड पैकेट का वितरण कराया गया है एवं अन्य प्रखंडों से जिला भंडार गृह से आवश्यकता अनुरूप पैकेट मांगने पर एवं वितरण करने का निर्देश दिया गया है। आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने आज दरभंगा जिला के लहरियासराय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा शहर में किसी तरह का विकास का काम नहीं हुआ है। वर्षों से यहां विकास अधूरा है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए DMCH में सुधार लाना जरूरी है। दरभंगा को जलमग्न मुक्ति दिलाना है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विद्यालयों को विकसित करना है। यहाँ के जो विधायक है वर्षों से लोगों को ठगने का काम किया है और इन्हीं सब मुद्दा को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर के खड़ा उतरेंगे। अगर यहाँ की जनता मुझे चुनकर विधानसभा भेजते हैं तो मैं इन वादों को पूरा करने का काम करूँगा। जी बिल्कुल, हमारे 9 सूत्र हैं, हमने दिखाए अभी जस्ट, और उसी मुद्दा से हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। लास्ट आज़ादी का 70 साल प्लस हो गया है और अभी तक हमारा शहर डेवलप नहीं हो पाया जैसा था। ऐसी चीज़ है उसको कैसे भी हम लोग अच्छे से डेवलप करेंगे, सही दिशा में लेके जाएंगे। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे अगर किसी का डेवलपमेंट हुआ तो सिर्फ यहाँ का विधायक का हुआ। शहर हमारा एज इट इज है जैसा 30-40 साल पहले था। कोई डेवलपमेंट शहर का नहीं हो पाया। सिर्फ दो परिवार है हमारा, जो एक सत्ता दल में, एक विपक्ष में और उनकी वाइफ का नगर निगम में। दो परिवार में पूरा हमारा सत्ता घूम रहा है शहर का। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं इलाज हेतु चिकित्सीय परामर्श
एवं जांच की सुविधाओं की जानकारी, होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की लगातार निगरानी हेतु सिविल सर्जन कार्यालय में जिला कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसमें टोल फ्री नंबर 1800 34 56 61 पर कॉल कर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जानकारी एवं परामर्श प्राप्त की जा सकती है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा कंट्रोल रूम का आज औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों एवं कर्मियों को कंट्रोल रूम के कुशल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी क्रम में उन्होंने स्वयं होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से कॉल कर बातचीत की तथा उनसे मेडिकल किट्स प्राप्त होने, स्वयं एवं परिवार में किसी को कोई परेशानी एवं प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की सुविधा की मांग के बारे में पूछताछ की गई। दरभंगा सिटी SP योगेंद्र कुमार ने आज क्राइम मीटिंग की, जिसमें सभी SHO को और थानाध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया कि लगातार मास्क की चेकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चालान काटें, ताकि लोग जब भी बाहर से निकले वह मास्क लगाकर निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना और बाढ़ जैसी हालात में भी दरभंगा पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा केस को निष्पादन करने में सफल हुए हैं और अगले महीने इसमें और सुधार लाने की आवश्यकता है, इसकी भी बात CTSP योगेंद्र कुमार ने कही है। कुछ मेन बिंदु इस प्रकार से हैं कि जुलाई महीने में पूरे दरभंगा जिले में 612 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए थे, उसमें 625 केसेस का डिस्पोजल हम लोग ने किया है। तो बाढ़ होने के बावजूद भी और कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसको जारी रहने के बावजूद भी अनुसंधान पे हम लोग का जो फोकस है वो बरकरार रहा है। प्रतिवेदन से ज़्यादा ही केसेस हम लोग ने डिस्पोज किए हैं और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि अगले महीने इसमें और सुधार लाएंगे। इसके अलावा मास्क को लेकर के जो हम लोग कड़ाई बरत रहे हैं उसमें और उसको निरंतर मेंटेन रखने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। सभी SDPO को ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रत्येक दिन वो अपने अनुमंडल के थानों की समीक्षा करेंगे और ये इंश्योर कराएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मास्क का जो चलान है वो होता रहे, ताकि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज हम लोग ला सके। और हमारा यही उद्देश्य है कि 100% लोग मास्क पहन के ही पब्लिक प्लेसेस में निकले। असल में तेजी लाने के लिए एक विशेष निर्देश दिया है मैंने कि 7 दिनों के अंदर जितने भी केसेस जिसमें गिरफ्तारी पेंडिंग है या लंबित है किसी भी कारण से, 7 दिनों के अंदर विशेष अभियान चला के सब में गिरफ्तारी करें। जिन केसेस में गिरफ्तारी संभव नहीं है तो 7 दिनों के अंदर माननीय न्यायालय को प्रतिवेदन देके सभी में अजमानती या वारंट प्राप्त करेंगे और अगले 1 महीने के अंदर सभी वारंट का निष्पादन भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे क्राइम कंट्रोल में भी मदद मिलेगी और हमारा जो केसेस का डिस्पोजल है उसमें भी इससे तेजी आएगी। सर, लहरिया सराय थाना पर भी कुछ निर्देश दिया जाए, तो चूँकि हमारा लहरिया सराय थाना सबसे बड़ा थाना है और चाहे वो पेंडेंसी के हिसाब से हो वो सबसे ज़्यादा उसी में रहता है, मैंने लहरिया सराय थाने के जो कार्यों की विशेष समीक्षा के लिए 2 दिन बाद फिर से एक मीटिंग रखी है। सर्किल इंस्पेक्टर SDP और SHO रहेंगे और विशेष तौर पे हम देखेंगे, क्योंकि टाउन शहर का मेन थाना है, काफ़ी सारे हीनियस क्राइम उसमें रजिस्टर होते रहते हैं, फॉर्जरी के भी काफ़ी केसेस होते हैं, उनकी एक विशेष तौर पर समीक्षा होती रहे इसके लिए अलग से निर्देश हमको दिए गए हैं। शराब के मामले में भी सख्ती बरतते हुए हम लोगों ने APM थाना में एक कांड हुआ था, जिसमें कि हम लोग ने प्रारंभिक जांच में ऐसा पाया था कि चौकीदार की संलिप्तता की वजह से उस एरिया में शराब मिल रही थी, जिस वजह से वो घटना हुई वहाँ पे। मेरे द्वारा चौकीदार को अविलंब उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था। थाना अध्यक्ष से भी हम लोग ने शोकॉज किया है और फर्दर जो उसमें कार्रवाई है वो जांच के बाद होगी। सर, हम लोग को मिली है, थाना अध्यक्ष और SDPO को मैंने निर्देश दिया है कि वहाँ पर जाँच भी करेंगे और औचक रूप से वहाँ पर छापेमारी भी करेंगे। मैंने ये भी निर्देश दिया है कि उन जो रूट आप बता रहे हैं वहाँ जितने भी थाने वहाँ हाल में जो भी शराब के केसेस प्रतिवेदित हुए उन सब में जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराई जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वही लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी जेल जाएंगे। इस पर नियंत्रण वहाँ बाढ़ प्रभावित परिवार को भेजी गई 206,60,94,000 रुपये 344,339 परिवारों को मिली 6,000 रुपये की राशि। दरभंगा जिला के 18 में से 15 प्रखंड के 227 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के अनुसरण एवं दिए गए निर्देश के आलोक में बाढ़ प्रभावित लोगों को त्वरित गति से बाढ़ राहत पहुंचाई जा रही है, जिसमें सभी
प्रभावित गांव में समुदाय किचन का संचालन, निःशुल्क नाव का परिचालन, पोलोथीन सीट का वितरण, सूखा भोजन पैकेट का वितरण, स्वास्थ्य कैंप की सुविधा, मवेशियों के लिए चारा वितरण, मवेशियों के इलाज के लिए पशु कैंप, पानी शुद्धिकरण के लिए हेलोजन टैबलेट का वितरण, नए आश्रय स्थलों पर चापाकल का संस्थापन, पुराने चापाकलों की मरम्मति, टैंकर व जरीकेन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, NDRF व SDRF की टीम के द्वारा पानी से घिरे गांवों की रेकी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना तथा प्रभावित परिवारों को PFMS के माध्यम से GR की राशि उपलब्ध कराना शामिल है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन बैठक, जांच व बेड की संख्या बढ़ाने को दिए निर्देश। प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम को लेकर के ऑनलाइन बैठक की गई। उन्होंने जिलावार सभी जिलाधिकारी से उनके जिले में कोविड 19 के लिए इलाज की व्यवस्था RT-PCR ट्रूनेट एवं एंटीजन टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था, बेडों की संख्या एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के संबंध में बिंदुवार जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को अपने अपने जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए बनाए गए कोविड हेल्थ सेंटर व बेड की संख्या बढ़ाने तथा जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। नई शिक्षा नीति के खिलाफ आयशा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर प्रतिरोध। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित अंबेडकर मूर्ति के समक्ष दरभंगा के छात्रों के द्वारा प्रतिवाद किया गया। प्रतिवाद में छात्रों ने नई शिक्षा नीति की प्रति जलाई। कार्यक्रम का नेतृत्व आयशा जिला सचिव विशाल मांझी ने किया, जबकि आयोजित सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। प्रदर्शन किया है और नई शिक्षा नीति 2020 के प्रति को जलाया है। नई शिक्षा नीति पिछले सप्ताह देश को दिया गया, समर्पित किया गया, लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, जिस शिक्षा नीति पर सदन में बहस करने के बाद पारित करना चाहिए, उसको एक अध्यादेश के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने रख दिया गया। और जब उसको पढ़ा गया, जब हम लोगों ने उसको देखा नई शिक्षा नीति को, तो नई शिक्षा नीति कुल मिलाकर के एक छलावा है देश के साथ। देश में एक हसीन सपना दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार की है, लेकिन उसमें गरीब वंचित समुदाय के जो लोग हैं उनको आज शिक्षा से दूर कर देने की साजिश है उसमें। आप देखिए कि आरक्षण का कोई सवाल पूरे 108 पन्ने के नई शिक्षा नीति में नहीं है। नई शिक्षा नीति में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि शिक्षक का परमानेंट बहाली होगा कि नहीं होगा। कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हम किस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के एक सस्ता मजदूर छात्र को कैसे बना दिया जाए, मोटी रकम लेकर के छात्रों को कैसे एजुकेशन दिया जाए, इसको इसकी पूरा का पूरा पुलिंदा है। इसके खिलाफ दरभंगा के बेताब मोहल्ला स्थित MK कॉलेज लहरियासराय में भी इंटर में नामांकन के दौरान खुलेआम कॉलेज प्रशासन और प्रधानाचार्य की गलत नीतियों के कारण लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ाई जा रही है। MK कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मुकुंद कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार बोर्ड के द्वारा नामांकन के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, MK कॉलेज में उनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और कॉलेज के प्रधानाचार्य के गलत नीतियों के कारण इंटर में नामांकन लेने आ रहे छात्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर सभी प्रभारी चिकित्सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि एंटीजन टेस्ट के लिए जिन्हें जितना लक्ष्य दिया गया है उन्हें उतना पूरा करना होगा। समीक्षा में कई प्रखंडों की जांच दर कम पाई गई। उन्होंने कहा कि विगत दिनों दरभंगा के जिन लोगों की मृत्यु कोविड 19 से हुई है उन्हें 15 अगस्त से पहले 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसीलिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता संख्या आईएफएससी कोड के साथ 13 अगस्त तक उपलब्ध करा दें। डीपीएम विशाल कुमार सिंह ने बताया कि दरभंगा के 8 लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, जिनमें से एक हनुमान नगर के तथा अन्य सभी दरभंगा सदर क्षेत्र के हैं, जिनमें हनुमान नगर अंचल के मोहम्मद इमरान खान, दरभंगा सदर के सतन कामती, शराफत हुसैन, लक्ष्मीनिया देवी, शोभा देवी, महावीर भगत, शंभु शर्मा व रामकरण चौधरी शामिल है। निर्वाचन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन की अध्यक्षता में मूल मतदान केंद्रों में स्थानांतरण एवं सहायक मतदान केंद्रों के अनुमोदन के संबंध में जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्र पर यदि 1000 से अधिक निर्वाचक है तो सहायक मतदान केंद्र का गठन किया जाना है। इस क्रम में कुछ सहायक मतदान केंद्र और मूल मतदान केंद्र परिसर में बनाए गए तथा कुछ सहायक मतदान केंद्र स्थान के अभाव के कारण मूल मतदान केंद्र परिसर से बाहर स्थापित किए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पुनः दिए गए निर्देश की यदि प्रस्तावित सहायक मतदान केंद्र भवन में स्थान उपलब्ध है और निर्वाचक को 2 किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े तो मूल मतदान केंद्र को प्रस्तावित सहायक मतदान केंद्र भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। के आलोक में दरभंगा जिला के कुल 18 कुल मतदान केंद्रों को सहायक मतदान केंद्र भवन संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से प्राप्त हुआ है, जिसमें 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ा बौड़ाम में 3, 80 बेनीपुर में 2, 81 अलीनगर में 4, 82 दरभंगा ग्रामीण में 1, 84 हायाघाट में 2, 86 केवटी में 2, 87 जाले में 1, कुल 18 मतदान केंद्र शामिल है। बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों के डाटा पीएफएमएस पर अपलोड करने हेतु भेजने को लेकर सभा अंचलाधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएन द्वारा ऑनलाइन बैठक की गई। उन्होंने बहेरी, बहादुरपुर सदर, हनुमान नगर, केवटी, सिंहवाड़ा, घनश्यामपुर, गौड़ा बौड़ाम, बिरौल और बेनीपुर के अंचलाधिकारियों को अतिशीघ्र बचे हुए लाभुकों के डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हनुमान नगर अंचल को 3 नाव उपलब्ध कराने का निर्देश उन्होंने अपर समाहर्ता को दिया। गौरतलब है कि विगत 22 जुलाई से दरभंगा जिला बाढ़ से प्रभावित है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बाढ़ राहत कार्य एवं बाढ़ निरोधक कार्य चलाए जा रहे हैं। संबंधित अंचलाधिकारी एवं प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन भ्रमण कर चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य का जायजा लिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्य व बाढ़ निरोधक कार्य का अनुश्रवण किया जा रहा है तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। दरभंगा दुनार से बेनीपुर जाने वाले मुख्य सड़क पर कुछ दिन पहले ही सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब जो है वहाँ टूट फूट कर खराब हो चुका है। मात्र 10 से 15 दिन पहले ही इस सड़क का निर्माण कराया गया और पिचिंग की गई थी, लेकिन अब पिचिंग उखड़ गई है और गड्ढा हो गया है। यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सही से यह सड़क शायद नहीं बना है और यहाँ जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है, जिसके कारण से यह सड़क मात्र 10 से 15 दिन में ही टूट कर खराब हो गई। सदर प्रखंड मुख्यालय कार्यालय के बीसीओ प्रदीप चौधरी के द्वारा कई दिनों से जनप्रतिनिधि सहित आम जनता की समस्याओं को लेकर जो फोन किया जाता है तो बीसीओ के द्वारा फोन नहीं रिसीव किया जा रहा है, जिससे सदर प्रखंड के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है। आपको बता दें कि जहां सदर प्रखंड में बाढ़ एवं कोरोना महामारी से लोग परेशान है, बाढ़ आने से कई घरों में कमर तक पानी प्रवेश कर गया। इस समस्या से बचने के लिए लोग सदर बीसीओ को लगातार जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण फोन करते हैं तो वो फोन भी नहीं रिसीव करते हैं, जिससे यह मालूम होता है कि सदर प्रखंड के बीसीओ अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, जिससे जनता और जनप्रतिनिधि काफी परेशानी में है।
सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना पटना के निर्देशानुसार कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के राष्ट्रीय योजना इकाई द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गंदगी मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के संघ सेवकों द्वारा 8 अगस्त से सफाई अभियान, पौधारोपण, सैनिटाइजेशन एवं मास्क वितरण लगातार किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों के द्वारा गंदगी मुक्त भारत अभियान हर गांव का होगा कल्याण नारे के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई और करनी सेवा दरभंगा के नेतृत्व में बाढ़ राहत पैकेट का वितरण बाढ़ ग्रसित इलाके में सूखा राहत पैकेट जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा गया। लगभग 6 प्रखंड के 30 पंचायत में यह राहत कार्य किया जा रहा है। आज भी करनी सेना के सहयोग से सैकड़ों पीड़ित परिवार को सूखा भोजन उपलब्ध करवाया गया है। राहत पैकेट में चूड़ा, चनाचूर, बिस्किट और माचिस का पैकेट उपलब्ध करवाया गया। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब नामांकन की तिथि 13 अगस्त की जगह 17 अगस्त कर दी गई है। बिहार बोर्ड की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं इंटर डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों को सूचना दे दी गई है। सूचना में कहा गया है कि सत्र 2020 से 22 में ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम के माध्यम से इंटर कक्षा के प्रथम चयन की सूची में चयनित विद्यार्थियों के नामांकन की तिथि पहले 7 अगस्त से 12 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे विस्तारित किया जाता है। सूचना में कहा गया है कि अब विद्यार्थियों के नामांकन की तिथि 12 अगस्त की जगह 17 अगस्त से कर दी गई है। दरभंगा में कृष्णाष्टमी को लेकर लोगों ने आज जमकर उत्सव किया। हालांकि कोरोना और बाढ़ की वजह से इसको और साल की तरह नहीं मनाया जा सका, फिर भी लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया और लोगों ने मटकी भी फोड़ा। लोगों ने भगवान से यह प्रार्थना की कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी और बाढ़ का प्रकोप चला जाए, ताकि फिर से वो लोग खुशहाल जीवन जी सके। दरभंगा के लगातार 15 वर्षों से विधायक रह रहे संजय सरावगी को फेम इंडिया में अच्छे काम करने के कारण 2019 से 20 के में जगह मिला है। यह सूचना मिलते ही नगर विधायक को उनके चाहने वालों के द्वारा फोन और मैसेज के माध्यम से बधाई संदेश मिलने लगा। वहीं विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि फेम इंडिया एशिया पोस्ट के देश भर में उम्दा 50 विधायकों के स्टेक होल्ड सर्वे में विधायकों का चयन उनकी लोकप्रियता, कार्यशैली, प्रतिबद्धता, सामाजिक सरोकार, प्रभाव, जनता से जुड़ाव, जनहित के कार्य इत्यादि अन्य कार्यों को लेकर के उनकी रिपोर्ट को बनाया जाता है।